ये राम रतन धन, ये जो भक्ति का धन है, सुमिरन का धन है, इस धन को सबसे बड़ा धन क्यों माना जाता है? ऐसी कौन सी इसमें विशेषता है जो इस धन को सबसे बड़ा धन कहा गया? तो इस पंक्ति में सुनिए, समझ में आ जाएगा क्यों कहा गया। खर्चे ना फूटे वहां को छोड़, खर्चे ना टूटे वहां को चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवारी पायो जी नहीं, दिन दिन बढ़त सवारी पायो जी नहीं, राम रतन धन पायो जी नहीं, राम रतन धन पायो। ये संसार रूपी भव सागर जो हम सबको एक दिन पार करना है, और इसे पार करने के तरीके संतों ने बताए। एक तरीका इस पंक्ति में, सत्य की नाव भव सागर पार करना हो तो लकड़ी की नाव से नहीं होगा, सत्य की नाव से होगा। सत्य की नाव खेवटिया सतगुरु, एक बार फिर अपने साथी कलाकारों से आपका परिचय कराना है, आपकी तालियों से इनका हौसला बढ़ेगा। गिटार पर राकेश आर्य,
पर विजय सैनी। वायलिन पर राजेश जायसवाल। तबले पर रत्नेश मिश्र। एक बार फिर आप सबको मेरे साथ बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तौर पर श्री पांडे जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें अवसर दिया इतनी सुंदर जगह अवसर दिया कार्यक्रम करने का। जीवन में फिर मौके मुझे मिलेंगे फिर हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए इजाजत दें लेकिन एक बार फिर आप आए तो
बहुत बहुत धन्यवाद। राजभवन के ओएसडी डॉक्टर आर कृष्ण कुमार जी एवं मीडिया के और लोग पुलिस संगीत में शरीक हुए और सुनकर लाभ उठाए, धन्यवाद देने की औपचारिकता। हम सभी गदगद हो गए हैं, कैसे भूलो श्रीमान एहसान रंग में रंग लाए, इस मगध की अमराई में बहार लाए और संगीत की स्वरदारी से सबको सराबोर के संगीत तथा स्वर का लाभ उठाएंगे। इसलिए मैं पुनः आपको हार्दिक धन्यवाद देता हूँ और आपने मेरा आतिथ्य स्वीकार किया, इसके लिए मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। अंत में सभी सज्जनों का जो इस जाड़े के मौसम में भी 12 बजे रात्रि में जो कड़ाके की ठंड पड़ रही है, सबों ने बड़ी तन्मयता से इनके संगीत को सुना, दोनों को मैं तमाम सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। बच्चे लोग बैठ जाएं तो ज्यादा अच्छा है।